हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैर ट्रिपल टू मैं हूं पल्लवी कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे सो so गाइस आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक कलेक्टिव रीडिंग आपके पार्टनर के लिए आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए कि वो डीप डिजायर क्या है उनकी वो डीप इंसाइटली आपके लिए क्या फील करते हैं क्या महसूस करते हैं ठीक है ना क्योंकि क्या होता है ना कि हम दूसरों को कुछ और शो कर रहे होते हैं लेकिन हमारे अंदर कुछ और चल रहा होता है तो आज हम खोलेंगे कि उनके मन में क्या राज छुपे हैं ठीक है ना गाइज यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर जैसे कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में हो नो no कॉन्टेक्ट में हो या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो बट बहुत ज्यादा लिमिटेड बात होती हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ठीक है ना या हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया हो फिर आप एक ऐसे एस, रिलेशनशिप में हो जो लिमिटेड होती हैं बातें कभी कभी तो होती भी नहीं है कभी कोई किसी को ब्लॉक कर देता है कभी कोई किसी को ब्लॉक कर देता है ठीक है ना तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं ये वीडियो मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है एंड गाइज ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होगी ठीक है ना तो ये जब भी आप लोगों के सामने आती है ना तो आप लोग इसे देख सकते हैं ठीक है एंड सेकेंड थिंगाइज एक जनरल रीडिंग होगी तो ये आपसे हंड्रेड परसेंट रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है तो आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप प्लीज उतना ही लीजिएगा बाकी के यही और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा एंड थर्ड थिंग कि ये रीडिंग एक जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है तो हो सकता है जो एनर्जीज मैं यहाँ आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ वो आप लोगों के पार्टनर की हो और जो आप लोगों के पार्टनर के लिए पढ़ रही हूँ वो आपकी हो क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पढ़ूंगी ठीक है ना तो आप लोगों से जितना जैसे रेजोनेट करे आप देखिएगा ठीक है ना तो चलिए आप पॉजिटिव रहिए तो कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पे पहले मैं शफल करके सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ उसी के बाद मैं रीड करूंगी ठीक है ना गाइज पहले मैं दो दो करके अपने आपके सारे कार्ड्स निकाल दूंगी मैं आपको एक साइन भी हैंड टू तो हैंड बताती रहूंगी है? चलिए तो मैंने पहले निकाला द सन इन रिवर्स द थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स ठीक है ना तो यहाँ पे आपके साइन है कैंसर पाइसिस इन स्कॉर्पियो एंड एंड लियो ठीक है ना ये नेक्स्ट है देरो एंड द एस ऑफ बॉन्ड्स वॉर्ड्स तो ये है आपका एरिज लियो एंडस एंड टॉरस ठीक है ना चलिए मुझे अभी चार कार्ड्स और हैं और आइज अगर मुझे लगा ना कुछ और मुझे क्लेरिफाई करना है मुझे लगा कि मुझे और कुछ जानना है तो मैं बिल्कुल कार्ड्स निकालूंगी ठीक है ना आप ऐसा मत सोचिए कि मैं रीडिंग इनकम्प्लीट करूंगी आज देखते हैं कि आपके पैटर्न आखिर सोच क्या रहे हैं चलिए द हाई प्रिस्टिस इन रिवर्स रिवर्स काफी आया है एंड टू ऑफ कप्स कैंसर पाइसल एंड स्कॉर्पियो अगेन एंड आपका है कैंसर कैंसर की एनर्जी काफी लग रही है गाइज यहां पर है ना तो कैंसर आपके पार्टनर या आप हो सकते डी ऑफ सोर्ट्स And the Knight of Swords, Gemini, Libra and Aquarius. तो यहाँ पे वैसे कोई भी साइन हो सकता है आप साइन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे तभी अच्छा होगा ठीक है ना गाइज तो चलिए आपके पार्टनर क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए देखते हैं तो सबसे पहले मेरे पास आया है द सन इन रिवर्स एंड थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं ठीक है ना अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है उनकी फैमिली उनके फ्रेंड्स उनका वर्क और कोई पर्सन अदर पर्सन भी हो सकता है उनकी खुद की थॉट्स हो सकती है थिंकिंग फीलिंग्स कुछ भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी तो आपके जो पार्टनर है ना वो जिस पर्सन से या जिस भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं ना वो खुश नहीं है उस सिचुएशन में वो खुश बिल्कुल भी नहीं है रिवर्स कार्ड आया है ठीक है ना और गाइस आपने जैसे आप लोगों से जैसे रेजोनेट करे ना आप उसी हिसाब से लीजिएगा अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एक्चुअली में थर्ड पर्सन है तो ये आपसे रेजोनेट करता है और अगर आपको लग रहा है कि फैमिली है तो फैमिली है ठीक है ना तो ये आपसे जैसे रेजोनेट करे आप उसी हिसाब से लीजिएगा एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर ना ये एक कमिटमेंट से रिलेटेड ये रीडिंग आई है ठीक है ना एक मैरिज से कमिटमेंट से रिलेटेड ये रीडिंग आई है हो सकता है आप दोनों मैरिज करना चाहते हैं एंड आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है ठीक है ना ये थर्ड पार्टी आपकी फ़ैमिली हो सकती है या फिर आप लोगों आप लोग आपस आप में ऑलरेडी मैरिड हैं और आप लोगों की फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं है ना और वो इस सिचुएशन में जैसे हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं और आपकी फैमिली नहीं मान रही है और तो आप लोग खुश नहीं हैं ठीक है ना इस सिचुएशन में खुश नहीं है आपके पार्टनर सिचुएशन में खुश नहीं है या आप दोनों आपस में मैरिज uh, करना चाहते हैं और आप लोगों की फैमिली नहीं मान रही है तो आपके पार्टनर उसमें खुश नहीं है उस सिचुएशन में खुश नहीं है या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है या कमिटमेंट में है और वो इस मैरिज और कमिटमेंट से खुश नहीं है तो जैसे आपको जो रेजोनेट करे आप उसी हिसाब से लीजिएगा So, आपके पार्टनर की ना फर्स्ट डिजायर जो डीप डिज़ायर है ना उनकी जो डीप फीलिंग है ना उनकी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि वो इस सिचुएशन में खुश नहीं है तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस uh, कर रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी पैशनेटली अट्रैक्ट हैं ठीक है ना आपको ऑफर करना चाहते हैं वो अपनी फीलिंग्स अपना प्यार विद दिस एस ऑफ वॉन्ट्स तो इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको एक एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं डीपली डिजायर वो सोच रहे हैं कि मैं किसी तरह से आपके पास आकर आपको अपनी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकूं या आपको एक कमिटमेंट दे सकूँ तो वो ऐसा सोच रहे हैं ठीक है ना एंड विद दिस एस विद दिस टू ऑफ कप्स कार्ड एंड द हाई प्रेस्टिस इन रिवर्स्ड कार्ड आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में तो हैं सोलमेट कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो आप दोनों का है हंड्रेड परसेंट है ठीक है ना आपके पार्टनर आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखते हैं ठीक है ना कोई उन मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिखा रहे हैं फन के लिए है ऐसा कुछ भी नहीं है वो आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखते हैं एंड वो चाहते हैं ठीक है ना उनकी प्योर डिजायर है आपको लेकर ठीक है वो आपका और अपना दिल एक करना चाहते हैं एक दूसरे से कप एक्सचेंज करना चाहते हैं वो ठीक है ना बट दिस हाई प्रिस्ट इन रिवर्स्ड कार्ड वो हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं है डीपली तो वो सोच रहे हैं कि आपको ये कप ऑफर करे आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करे ठीक है ना बट वो हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं है इस सिचुएशन को लेकर वो कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे हैं आई थिंक उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ रहकर अपना जो थर्ड पर्सन है ना ये जो थर्ड पार्टी है उसको कहीं ना कहीं उसके साथ अनफेयर करेंगे उनको ऐसा लग रहा है गिल्ट फील कर रहे हैं अब ये हो सकता है कि उनकी फ़ैमिली हो इसीलिए वो इतना गिल्ट फील कर रहे हैं कि और वो आपको आ, अपने मन में सोच रहे हैं आपको एक कप ऑफर करना बट डीप इनसाइड वो ना गिल्ट फील कर रहे हैं विद दिस हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स्ड कार्ड ठीक है ना हो सकता है ये उनकी वाइफ या हस्बैंड में से हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकता है ये उनकी फैमिली है जो वो इतना गिल फील कर रहे हैं आपको लेकर उनको लग रहा है सिचुएशन में अनफेयर होगा उस थर्ड पर्सन के साथ आपके साथ तो हो ही रहा है साथ में उस पर्सन के साथ भी होगा उन्हें ऐसा डीपली लग रहा है ठीक है ना ऐसा मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर और इसी वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं विद दिस थ्री ऑफ सोर्स कार्ड लाइक वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस सिचुएशन को ना मैं वाइजली कैसे डील करूं कैसे कोई एक अच्छे से डिसीजन लूं जो दोनों के लिए फेयर हो मेरे लिए भी फेयर हो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट बहुत ज़्यादा पेन में है ठीक है ना और वो काफ़ी ज़्यादा ना हार्ड टाइम फील कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत हार्ड टाइम चल रहा है मतलब वो एक डिसीजन तो नहीं ले पा रहे हैं उसके अलग वो ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ मतलब एक सॉल्यूशन ना निकालने के बजाय वो ये सोच रहे हैं डीपली वो ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हूं मैं उसे कैसे डील करूं ठीक है ना और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास इस सिचुएशन को डील करने के लिए ना कोई अच्छा फ्रेंड या फैमिली मेंबर या मतलब कोई एक सपोर्ट नहीं है जिसके साथ मैं इस सिचुएशन को डील कर सकूं अपनी बात मतलब दोनों मतलब कि मुझे एक वाइजली डिसीजन क्या लेना चाहिए वो ऐसा सोच रहे हैं इस सिचुएशन में लेकर ठीक है ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं ना उनके पास उनके मन में आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग्स हैं आपको ऑफर करना चाहते हैं ठीक है ना इसीलिए वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि वो कैसे सिचुएशन को डील करें बट वो कर नहीं पा रहे हैं सो अनफॉर्चुनेटली आई फील कि उन्हें यहाँ पर अपना दिल टूटा हुआ फील हो रहा है और इस सिचुएशन को छोड़कर यही छोड़कर भाग जाने का दिल कर रहा है उनका ठीक है ना विद दिस नाइट ऑफ सोर्स कार्ड ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ठीक है, है ना अगर थ्री ऑफ सोर्स कार्ड नहीं आता ना यहाँ पे तो मैं फिर भी आपसे कह सकती थी कि uh, कोई मतलब वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बट थ्री ऑफ सोर्स कार्ड देर इज लॉट ऑफ पेन बिकॉज वो इस यूनियन को ना मिस यूनियन को कर नहीं पा रहे हैं बेसिकली वो मन से तो बहुत चाह रहे हैं कि किसी तरह से आप लोग एक हो जाएं आप लोग मिल जाएं इस सिचुएशन को डील कर लें बट वो कर नहीं पा रहे हैं कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं वो इस बात के लिए श्योरिटी है कि वो आपके लिए स्ट्रांग फीलिंग्स रखते हैं मतलब कोई ऐसा प्लेयर टाइप का प्यार नहीं है वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं ठीक है ना एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए रखते हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को डील वाइजली आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि मुझे ये देखना है कि ये नाइट ऑफ सोर्ट्स का जो आया है तो वो किस किसकी तरफ जाना चाहते हैं मतलब इस सिचुएशन को छोड़कर भागना चाहते हैं तो कहाँ भागना चाहते हैं मतलब इस सिचुएशन से वो डील नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहाँ जाना चाहते हैं सिचुएशन को छोड़कर वो कहाँ जाना चाहते हैं भाग जाना चाहते हैं भाग कर कहाँ जाना चाहते हैं मुझे ये जानना है सिचुएशन को लेकर ठीक है गाइस four of wands and page of pentacles एज डिफरेंसेस तो है आप दोनों के बीच में ठीक है ना तो गाइस एंड गर्ल्स आई फील कि ना वो आपके साथ आपके पास आना चाहते हैं इस सिचुएशन को ना यहीं पर छोड़कर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड वो आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं वो फ्यूचर में आपके साथ एक स्टेबिलिटी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं ठीक है ना आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ठीक है ना आपसे मैरिज करना चाहते हैं कमिटमेंट देना चाहते हैं एक हैप्पी होम हैप्पी फैमिली चाहते हैं सिचुएशन and and तो को डील नहीं कर पा रहे वो वाइजली डिसीजन नहीं ले पा रहे बट डीप इन साइड उनके माइंड में चल रहा है एक कमिटमेंट देना स्टेबिलिटी देना आपको आपको वो अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे ना तो ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई डू हैव फीलिंग्स फॉर यू बट वो इस सिचुएशन में खुश नहीं है वो बताना चाहते हैं आपको कि मैं इस सिचुएशन में खुश नहीं हूं डीपली वो ऐसा सोच रहे हैं ठीक है ना और उनमें ना करेज भी नहीं है क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उनमें इतना करेज भी नहीं है इतना मतलब इस ये जो भी आपकी कंडीशन में सिचुएशन में जो भी आया है ना ऑब्स्टिकल्स आए हैं उसको डील करने का उनके पास करेज भी नहीं है ठीक है ना ऐसा लग रहा है इमोशंस हैं फीलिंग्स है ट्रू लव है, है एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो स्टिल उनके पास ना फीलिंग मतलब आपके पास आने का करेज नहीं है डीपली चाह रहे कि एक, एक हैप्पी होम हो एक हैप्पी फैमिली हो एक स्टेबिलिटी हो ऑफर करें वो आपको चाहे ऐसे चाहे ऐसे मतलब वो आपको ऑफर करना चाह रहे हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं उनको लग रहा है कि शायद फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाए मतलब उन्होंने सब चीज़ें ना मेरेकल्स पे छोड़ दिया है गॉड पे छोड़ दिया है कि हो सकता है सब चीजें सही हो जाए वापस से एक हो जाए ठीक है ना और वो ना कहीं ना कहीं शायद इस सिचुएशन से डील करने के बजाय अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं उन्होंने क्योंकि ना सिचुएशन को तो देखो लेट गो कर दिया है वो उनको तो क्योंकि मेंटली या कह सकते हो कि अंदर ही अंदर उन्हें ये लग रहा है कि मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा इस सिचुएशन को यही कि यही छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि उन्हें आपके साथ एक घर चाहिए एक होम चाहिए आपके साथ ठीक है ना तो वो इस टाइम इसीलिए इस सिचुएशन से डील करने के बजाय वो अपने वर्क पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो बस मतलब वो सोच रहे हैं कि मैं ये सब चीजें करूंगा तो जो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा ठीक है तो मुझे तो यही लगता है चलिए आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस देख लेते हैं ओशोस कार्ड से लेकिन गाइस मुझे तो कार्ड्स देखकर यही लगता है कि फीलिंग्स हैं अगर उनके मन में बट वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं ना अप इस सिचुएशन को यहीं छोड़कर अपने आप भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए ठीक है ना अगर मैं आपको गाइड करती हूँ तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इमोशनली ना डील करें और आप अपनी सिचुएशन को यहीं पर छोड़कर ठीक है ना जैसे है वैसे छोड़कर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इन्हें परमानेंटली छोड़ दीजिए इन फ्यूचर के लिए आप उनके लिए रास्ता दे सकते हैं लेकिन अभी आपको उन्हें छोड़कर यहीं पर इस सिचुएशन को छोड़कर अपने आप को स्टेबल करना चाहिए स्टिल हम देखते हैं चलिए ओशोस कार्ड आपको क्या कहते हैं क्या गाइडेंस आती है हम यहाँ पर तीन कार्ड्स निकालते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस आती है ठीक है ना फर्स्ट वन इज एडवेंचर पहले भी यही कार्ड गिरा था सेकेंड वन इज सेलिब्रेशन थर्ड पार्टी क्रिएटिविटी गाइज आपके लिए थ्री नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकता है कि आप लोगों को थ्री नंबर दिख रहा हो थ्री 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 ट्रिपल थ्री ट्रिपल फोर आपको दिख रहा हो ठीक है ना अब मैं आपको दिखाती हूँ देखिए थ्री ऑफ थ्री थ्री कैट क्रिएटिविटी थ्री ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स तो थ्री नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हंड्रेड परसेंट यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है ठीक है ना हंड्रेड एंड टेन परसेंट यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन को यहीं पर छोड़कर कर लटको कर कर अपने आप पर फोकस करना है आपको न्यू पाथ देखना है अपना एडवेंचर करना है मतलब एडवेंचर मतलब आपको एक नया पाथ देखना है ठीक है ना आपको अपनी लाइफ को एन्जॉय करना है सेलिब्रेट करना है ठीक है ना हैप्पी रहना है आपको ठीक है और क्रिएटिविटी हो सकता है कि आप, आप में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हो ठीक है ना और आप इस नेगेटिव सिचुएशन के आगे अपनी उस क्रिएटिविटी को भूल गए हैं तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आप उस क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए ठीक है ना क्योंकि उस क्रिएटिविटी के थ्रू आपको कुछ जरूर मिलने वाला है इम्पॉर्टेंट मिलने वाला है और गाइस ये थ्री 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 नंबर भी आपको यही बताता है कि आपको कुछ क्रिएटिविटी में करना होगा और हो सकता है कि आपको ये थ्री थ्री नंबर्स भी दिख रहे हूँ तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि आपको ये थ्री थ्री नंबर दिख रहे हैं या नहीं और अगर दिख रहे हैं ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये थ्री थ्री नंबर दिख रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में ना थ्री रोल थ्री नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और बस भी आपको गाइड कर रहा है कि इस सिचुएशन को यही छोड़कर उनकी डीप डिज़ायर है आपके साथ स्टेबिलिटी एक हैप्पी हैप्पी होम लेना करना ठीक है ना लेकिन वो डीप डिज़ायर है ठीक है ना उनमें इतना करेज नहीं है अगर उन्हें प्रैक्टिकली कहा जाए कि आप आप आपके पास जाएं तो वो प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं ना तो वो चीज़ आप देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए और आपको यहाँ पे यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप क्रिएटिविटी पे अपना आ, ध्यान दीजिए एडवेंचर नए नए एडवेंचर कीजिए अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि एक लाइफ जो होती है ना वो एक ही होती है ठीक है ना चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके लिए हम तीन कार्ड्स निकालते हैं कि आप पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं तीन मैसेजेस ठीक है ना आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं थ्री कार्ड्स प्लीज यूनिवर्स मुझे तीन कार्ड्स दीजिए प्लीज फर्स्ट वन सेकेंड कार्ड हो चाहिए कार्ड एक तो फर्स्ट कार्ड आता है डोंट क्राई माई जान वी विल मीट अगेन तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप दुखी मत होइए सैड मत होइए हम लोग फिर से मिलेंगे ठीक है ना क्योंकि वो डीपली तो आपसे स्टेबिलिटी ही चाहते हैं आई नो यू आर द वन वो आप आपको ही एक अकेला मानते हैं हो सकते हैं उनकी उनकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी भी हो लेकिन वो आपको ही अपना मानते हैं आई सो वॉन्ट टू कॉल यू वो आपको हो सकता है आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो, तो वो आपको मतलब डीपली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो आपको कॉल करें और वो कॉल कर भी नहीं पाते हैं बट मनी मन उनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का ठीक है ना गाइस और अगर आप यही मेरी रीडिंग है और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम हिंदी टैरोडेक ट्रिपल टू ठीक है ना गाइस चलिए ओके बाय बाय